गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली चेकआउट कर चुके हैं हम लोग होटल से। होटल का नाम है हर गेस्ट हाउस। निकल रहे भीमताल के लिए। देख रहे हो किस कंडीशन में गाड़ी खड़ी करके रखे थे रात को। तो चलो जैसे तैसे निकालते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई हो जाएगा थोड़ी देर। थक गए यार। सो गाइस, होटल से सीधा हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारा नैनीताल यात्रा का सेकंड डे है। यदि आपको पसंद आया तो देखो, और फिर मुझे बताना कमेंट में कि अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ से तो निकल चुके हैं। ये नैनीताल से अभी हम लोग 7 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, भीमताल की ओर जा रहे हैं। बाकी जो जो नज़ारा आता जाएगा आते जाएंगे। तो फिलहाल तो ये माता जी का मंदिर है, व्यू देख के दिल खुश हो जाता। पर ये अल्मोड़ा चोटी कोट भीमताल यहाँ से 13 किलोमीटर है। तो फ्रेंड अभी सडनली हम लोग का थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। प्लान अब ऐसा है कि हम लोग भीमताल तो जा रहे थे, पर भीमताल से पहले यहाँ के जो लोकल पीपल उन्होंने बताया कि यहाँ पे ही पास में एक व्यू है जो कि आपको हिमालय की वादियाँ देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे आगे पड़ेगा रामगढ़ साइड, कुछ एरिया बताए थे, अभी जाता हूँ वहीं रहें गूगल आंटी के भरोसे। और चलो वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको, आई थिंक आपको पसंद आएगा। ओके, और बाकी बीच बीच में जो जो स्पॉट अच्छे मिलते रहेंगे वो मैं आपको दिखाते जाऊँगा। ओके, ये देखो चल वे चला जा। वैसे हम लोग भीमताल जा रहे थे, पर सडनली प्लानिंग चेंज हुई। प्लानिंग चेंज होने के बाद बताया था मैंने रास्ते में कि अब हम रामगढ़ की साइड जा रहे हैं, बट फिलहाल अभी रामगढ़ में तो नहीं है, रामगढ़ के भी आगे। दोस्तों हम समर फोर्ट पे इस समय, जगह तो बहुत प्यारी है। अब यदि देखोगे सामने हिमालय की वादियाँ दिख रही है। एक्चुअली अभी इस समय थोड़ा सा फोग होने की वजह से ना क्लियर दिख नहीं पा रहा है, बट थक गया भाई। तो ये जस्ट सामने ही फ्रंट पे दिखता है यहाँ से, समर फोर्ट से। तो ये जो फोर्ट है बहुत ऊंचाई पे है ये, तो ऑलरेडी आप देख रहे हो। कभी यदि इधर आओ तो यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत प्यारी जगह, ओसम व्यू। एंड अभी टाइम हो रहा है 1:02। तो ये है समर फोर्ट, ये एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ की। गाइस ये पेड़ दिख रहा है आपको, इसमें एक इंसान के बैठने की जगह है। संन्यास लेना हो तो यहाँ पे आके आराम से तपस्या करते रहे बंदा। अपना तो कोई मूड नहीं, पर अपने बस की है नहीं ये सब। तो गाइस लोकेशन दिखाऊंगे यहाँ से, बड़ा प्यारा लग रहा है। ओसम व्यू मैन। अरे कोई है क्या भाई? कोई भी नहीं लग रहा है यहाँ तो। ओके, सो ओसम व्यू मैन। हाँ बहुत प्यारी है क्या भाई। अरे इस पेड़ को देखो भाई, थोड़ा सा इसमें जो लटक रहे हैं चीज़ें, ये कौन सा फल लटक रहा भाई? सिल्वर वाला। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 1 लाख तो बनता है भाई, कहाँ कहाँ चढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ से जो व्यू है वो गजब है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ यही बैठ जाया जाए, क्योंकि काफ़ी देर से थक गए।
सो अब तुम्हारा भाई बैठ के आराम करेगा यहाँ पे बिंदास। ओके सो जाऊँ क्या? नहीं अभी नहीं सोता, देखो। चलो तो और मज़ेदार जगह चलते हैं, और ये नीचे की जगह देख लो भाई, तुम्हारा भाई जहाँ घूम रहा है ऐसी ऐसी जगह में चलते हुए नज़ारा लेते हुए चले जा रहे हैं। तो वाकई में व्यू तो बहुत औसम है, बहुत मज़ा आएगा, सार्थक को बहुत मज़ा आ रहा है भाई। सच बोलूँ तो नैनीताल से ज़्यादा बेटर फीलिंग इधर हो रही है, क्योंकि अगर आप नेचर लवर हो और ऐसे एरिया अगर आप पसंद करते हो, अगर आप पीसफुल लोकेशन लवर हो, सो डेफिनेटली यू शुड कम हेयर। एंड टोटली पीसफुल है, हम दोनों के अलावा इस पूरे एरिया में कोई भी नहीं है। और वन थिंग, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अभी कोई है नहीं, इसलिए हमें कोई रोक टोक नहीं लगाया, हम लोग बिंदासली घूम रहे हैं। आपको पता है हम लोग का जो लगेज है वो बाइक पे ही रखा हुआ है, तो यहाँ पे सेफ्टी की भी कोई दिक्कत नहीं है। गाइस सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी जगह दिखाऊंगा, और बस सब्सक्राइब करते जाओ यार, और अपना प्यार देते जाओ। डेफिनेटली आपको ऐसे ऐसे व्यू दिखाऊंगा, ऐसी ऐसी जगह, और बाकी बहुत मज़ा आएगा आपको। ओके तो चलो आगे चलते हैं। थक गया भाई, तो भाई ये पेड़ की छैया में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उसे ग्राफ्ट कर दिया जाता है okay. तो वो पेड़ बन जाता है उसका। तो गाइस देख रहे हो अंकल पिछले 60 साल से यहाँ पे है। अंकल आपका नाम? हाँ मेरा नाम जसराम सिंह है। जसराम सिंह है। कि आप लोग यहाँ पे आए तो इनसे ज़रूर मिलिएगा, बहुत अच्छे इंसान है। 15 साल तो पढ़ने में निकल गए। 15 साल पढ़ने में निकल गए कह रहे हैं। ओह 45 साल से ये सन 70 से हूँ 1970 से लगा हूँ मैं इस काम में। अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा, वो 6 इंच के पेड़ पे। अच्छा उस पर सेब के फूल खिल गए। 6 इंच के पेड़ पे? 6 इंच के पेड़ पर, इतने से। वेरी गुड, ये तो बहुत सही है। हाँ ये पहले इतने बड़े पेड़ होते थे। अच्छा ये एप्पल का ही है? हाँ एप्पल का है, पुरानी वैरायटी है, अंग्रेज के जमाने से। देख रहे एप्पल के पेड़। अच्छा वो आप अमेरिकन सेब नहीं देखते, विदेश वाला जो बिकता है? अच्छा यही सेब होता है। अच्छा यही वाला है? हाँ मार्केट वैल्यू इसकी ज्यादा है। यहाँ का सेब बिकता है 10 रुपए किलो, तो वो बिकता है सीधा 150 रुपए किलो। तो देख रहे हो फ्रेंड्स इंडिया तरक्की में है। अब तरक्की में तो आप ही मेहनत करें ना थोड़ी सी, और जब तक हमारे देश में ऐसे बहुत अच्छे इंसान है तो देश तरक्की तो करेगा यार। भारत के साइंटिस्टों में कोई कमी नहीं, भारत की फौज में कोई कमी नहीं, तो बेकार है तो जनता और नेता। अच्छा ये जो दिख रहा है ओरिजिनल हिरण की खाल है। सो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बढ़िया हॉस्पिटल मिलेगा, मतलब अननोन पर्सन के लिए कोई अगर इतना करे ना, सच अ काइंड। कॉटेज देख रहे हो भाई, बहुत प्यारा है, और वो भी इतनी ऊंचाई पे कॉटेज देखने का जो व्यू है, नाइस लाइक व्यू। और यहाँ पे भी बहुत सारी हिरण की सीन है, आज शायद आप देख पा रहे हो राइफल वगैरह। ये बंदूक जो है ये अंग्रेज से हमने उसने हमें दी बंगले के। अच्छा, जब बेचा ना। अच्छा, ये वैसी है, ये मेटल लोडिंग तो वर्ल्ड वॉर वाली, इसमें बारूद ऊपर से भरी जाती है। ओके मैं इसे उसी उसमें रखता हूँ, बहुत सॉफ्ट है, लाइट भी है। देखो गाइस एक हाथ लाइट भी है, कैरी कर सकते हैं। ये गन बेल्जियम की बनी है। बेल्जियम की बनी है, वाओ। उस समय तो इंडिया में पता ही नहीं था कुछ, बहुत ऑसम। इसके इसमें कारतूस नहीं होते, ये कारतूस वाली है। काफी लाइट वेट भी है, काफी अच्छा है यार, बहुत सही है, एंटीक पीस है पूरा। तो अंकल ने बहुत अच्छी अच्छी चीज रख के रखे हैं जो कि बहुत पुरानी है। थैंक यू अंकल जी। हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्हीं में से हमारे ये अंकल भी हैं जो पिछले 60 साल से चीज़ों के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ताकि जो फ्रूट्स वगैरह या सबको अच्छे से मिल सकें, क्योंकि बाहर से जो आता है आपको तो पता है बहुत महंगा होता है। यदि वही चीज़ इंडिया में होगी तो डेफिनेटली सस्ते में भी आएगी और क्वालिटी भी आएगी, है ना। तो यार ऐसे लोगों को तो सलूट है ना, एकदम प्योर नेचुरल प्योरीफाइड क्लोरीन ब्लीचिंग वाला तो केमिकल जड़ी बूटियों का कितने किलोमीटर से आता होगा पौधों की जड़ों से पानी। ओके वाओ,
पानी का टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है, एकदम पूरा नेचुरल प्यूरिफाइड पानी है। ये हमारे अंकल जी का रामराज है, जैसे अंकल जी ने बताया सुग्रीव वाली पहाड़ी है, कोई भी नीचे से आए तो यही दिख जाएगा, यहीं से दिख जाता है, इधर से भी कुछ भी होगा पता नहीं। ये क्या होता है, फेंसिंग का बंद है, बाघ भालू यहाँ रात को जो है आराम से विचरण करते रहते हैं, हमारा उनका MOU है आपस में, हाँ बाघ आता है इधर, बाघ खूब घूमते हैं तो हमारा उनका वो है एग्रीमेंट है, MOU हमारे उनके बीच में है, दिन में वो नहीं निकलते रात में नहीं निकलते। देख रहे हो तो यहाँ पे बाघ वगैरह भी आते हैं, यू बना के रखे अंकल ने, दिन में हम नहीं निकलते, और दिन के टाइम वो लोग कहाँ पे रहते हैं, वो छुपे रहते हैं, वन में सोते रहते हैं। अच्छा ये ऊपर पूरा जंगल ही है, फॉरेस्ट है ये, वहाँ तक यहाँ है काबुल तक कंधार तक ये जंगल है, इधर काठमांडू तक एक ही बाघ तो है ना, उसकी भाई पे दो बच्चे हैं, तो रोज वो भी यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, हम गन लेके नहीं निकलते कभी भी, वो जानते हैं कि हम मारेंगे नहीं, मतलब जो लाइफस्टाइल है ना सच्ची में ये बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, बहुत अट्रैक्टिव है, पैंथर बहुत है, पैंथर है ये, वही व्यू जो मैं कह रहा था आपको कि यहाँ से दिखता है, बट अभी हमें दिख नहीं पाया, गाइस देख रहे हो ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से, फायर प्लेस ये पुराने जमाने में जो होता था, ओके गड्ढा जिसमें जानवर वगैरह गिरा जाता है वो, ये गाइस वो पौधा है शेंज का कि जिसके बारे में बता रहे थे अंकल, इतने बड़े पौधे में एप्पल उग जाएगा, एप्पल है कितने फूल आए हैं देख रहे हो, एप्पल हो जाएगा, ये फूल तो आ रहे हैं एप्पल, ये एप्पल के फूल आ गए ना, आपको 20 सेब लगे मिलेंगे कम से कम। वैसे हमारे अंकल भी बाइकिंग का शौक रखते हैं, इनकी बाइक दिखाता हूँ मैं आपको, ये नेसेसिटी है ये तो। तो अंकल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वैसे तो जैकेट बहुत प्यारी थी, बहुत यार दिल खुश हो गया सच्ची में, मतलब अंकल ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा इतना अच्छा, थैंक यू, थैंक नेचर, आज के डेट में मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा, और वैसे जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत यूनिक काम है इनका, देख लीजिए आप बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है देख लीजिए राइट लेफ्ट गुड, प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़ है। चलो गाइस तो भाई देख रहे हो नया नया एडवेंचर करने का नया नया तरीका, मज़ा तो आ रहा है, बाकी गाइस डर भी लगता है इसमें तो थोड़ा सा रिस्की लगता है, बाकी इट्स ओके। तो भाइयों क्या क्या करना पड़ता है कि यूट्यूबर को, देख रहे हो आप एडवेंचर करने का बात ही अलग है, क्योंकि आपकी जो जान है ना वो हलक पे आ जाती है, तो दोस्तों ये है सात ताल और इस सात ताल के मजे तुम्हारा भाई ले रहा है फुल टुक, मज़ा आ गया गाइस, आसपास का नज़ारा देख रहे हो, और ये 80 फीट है, और तुम्हारा भाई इसमें भी मौज लेना नहीं छोड़ा। तो गाइस फाइनली अभी जस्ट हमने डिनर किया है ग्रेविटी रेस्टोरेंट पे, तो फाइनली अभी भीमताल के सामने हूँ, अब अंधेरा हो गया यार शायद आपको दिखे, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, मैक्सिमम 6 घंटे लगेंगे, 6 से 7 घंटे अब आराम से जाएंगे, बाकी रास्ते में कुछ होता है तो देन आपको बताते हैं, ओके चलो भाई। नैनीताल से वापस आते आते रामपुर के आगे पहुंच चुके हैं, हाईवे में खड़े हैं। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, गुड नाइट, सब्बा खैर एंड बाय बाय बाय।